Hello learners, welcome back to our channel Study IQ Judiciary. This is me Arjata. एंड uh, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में एक बहुत ही सेंसेटिव इशू के ऊपर हम बात करने वाले हैं विच इज़ गोइंग टू बी कि ऐसा कई बार हम देखते हैं पर्सनल रिलेशनशिप्स के अंदर भी दोस्तों के साथ भी कि uh, कभी अगर ऐसा हो आपके साथ कि आपकी कोई फोटो आपकी कोई वीडियो हो सकता है कि वो एक ऑब्जेक्शनेबल uh, टाइप की फोटो या वीडियो भी हो एक न्यूड फोटो या कोई वीडियो हो कोई ऐसा फोटो या वीडियो हो जो कि आपकी कंसेंट के बिना आप कोई प्राइवेट एक्ट कर रहे थे तब बनाया गया हो या आपकी कंसेंट से बना था लेकिन बाद में कोई पर्सन अगर आपको ब्लैकमेल कर रहा है कि वो आपके इन फोटोज या वीडियोस को क्या कर देगा कहीं पे पब्लिश कर देगा कहीं पे सर्कुलेट कर देगा कहीं पे रिलीज कर देगा जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं ऑबियसली बात है मेंटली इमोशनली कोई भी पर्सन बहुत ज्यादा वहां परेशान हो जाएगा राइट तो ऐसे में आपके पास क्या लीगल रेमेडीज हैं यहाँ पे आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं क्या क्या लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं इंडिया में इन सारी चीजों के इन सारे इंसिडेंट्स के ऊपर ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द सेशन प्लीज मेक श्योर अगर आपने अभी तक हमारे साथ इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए टेलीग्राम फेसबुक ट्विटर लिंक इन इंस्टाग्राम जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप अवेलेबल हो प्लीज मेक श्योर दैट यू कनेक्ट विथ अस ओवर देयर ठीक है ऑल्सो जैसे कि आपको पता है कि स्टडी आई क्यू के खुद के जुडिशरी के कोर्सेज भी हैं तो इन सारे कोर्सेज में आपको मेजर माइनर सब्जेक्ट्स लोकल लॉज करंट अफेयर्स फिर वो लीगल करंट अफेयर्स हो बेसिक करंट अफेयर्स हो टेस्ट सीरीज हो ये सारी चीजें प्रोवाइड करवा

अब देखो बहुत से रीजन्स हो सकते हैं बहुत सारे केसेस हो सकते हैं कि फोटो कैसे किसी के पास गई आपका कोई वीडियो कैसे किसी के पास गया उसके बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं आपने फोटो खुद भेजी आपने वीडियो खुद बना के भेजा ठीक है एज अ फ्रेंड या आप सामने वाले पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे इसलिए ठीक है सामने वाले पर्सन ने फोटो या वीडियो कहीं से छुप के ले ली कहीं से छुपके खींच ली जैसे कि चेंजिंग रूम्स वगैरह में वॉशरूम्स वगैरह में तो फोटो या वीडियो कैसे सामने वाले के पास गई उसके तो बहुत सारे अलग अलग रीजन्स हो सकते है ठीक है तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल केसेस आज के टाइम में सोसाइटी में देखे जाने लगे हैं स्पेशली अगर हम बात करें तो लड़कियों के साथ में ठीक है कि आ, आपका जो पार्टनर है लेट्स से अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो आपका जो पार्टनर है वो आपको थ्रेटन कर सकता है कि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपकी इस फोटो को आ, सर्कुलेट कर दूंगा लोगों के बीच में फैला दूंगा ठीक है तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उस सिचुएशन में आ, बिना डरे ठीक है बिना ये सोचे और बेवकूफी भरे काम ना करके थोड़े दिमाग लगा के हम ये समझने की कोशिश करें कि भाई इस पर्सन को किस तरीके से पनिशमेंट दिलवाई जा सकती है और इसके लिए आपके पास क्या क्या लीगल रेमेडीज यहाँ पे अवेलेबल होते हैं ठीक है तो यूजअली जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिलेशनशिप में ये चीजें काफी बार देखी जाती है मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसकी ऊपर ओ पी जिंदल यूनिवर्सिटी का जो रेप केस था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं हमारे चैनल पे अवेलेबल है उस आ, केस के अंदर भी सेम ही चीज़ हुई थी कि लड़की जो है उसके कुछ फोटोग्राफ्स कुछ वीडियोस एक लड़के के पास पहुंच जाते हैं और फिर उन्हीं फोटोज उन वीडियोस का फायदा उठा के वो उस लड़की को ब्लैकमेल करता है उस लड़की से ऐसी चीजें करवाता है जो वो शायद नहीं करती तो कई बार बदला लेने के लिए रिवेंच वगैरह लेने के लिए या फिर सामने वाले से पैसे ऐठने के लिए या कुछ भी करवाने के लिए इस तरीके का जो है वो ब्लैकमेलिंग वहां पर की जाती है ठीक है अब अगर हम रेमेडीज की बात करते हैं तो देखो रेमेडीज तो आपके पास आईटी एक्ट में भी अवेलेबल है रेमेडीज आपके पास इंडियन पीनल कोड के अंदर में भी अवेलेबल है जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे ठीक है अब सबसे पहले तो हम अगर बात करें इस बारे में भी कि इन फोटोज इन वीडियोस का क्या किया जा सकता है सामने वाला क्या करेगा इन फोटोज और वीडियोस का यदि आपने उनकी बातों को नहीं माना आपने उनकी डिमांड्स को सैटिस्फाई नहीं किया वो जैसा करने को बोल रहे हैं वो आपने नहीं किया तो भाई सामने वाला क्या करेगा आपके इन फोटोज को उठा के सोशल मीडिया पर डाल देगा इंस्टा पे डाल दे फेसबुक पे डाल दे स्नैपचैट पर डाल दे वहां से इन फोटोज या वीडियोज को उठा के हो सकता है कि किसी पोर्नोग्राफिक वेबसाइट वगैरह पे भी डाल दिया जाए यानी इससे जो विक्टिम है उसकी रेप्यूटेशन को हार्म पहुंच सकता है उसकी सोसाइटी में उसकी बदनामी हो सकती है फैमिली की बदनामी हो सकती है और इमोशनल मेंटल हरासमेंट जो होगा वो तो अलग बात है वो तो आपकी अलग चीज है वहां पे ठीक है अब अगर हम देखो रेमेडीज पे आने के पहले दो चीजें हैं जो एज अ फ्रेंड एज अंटोर मैं आपको बताना चाहूंगी सबसे पहले तो आई वुड नॉट होप आई वुड नॉट एक्सपेक्ट कि हम में से कोई भी इस तरीके की एक्टिविटीज uh, में इन्वॉल्व होगा ठीक है आई वुड नॉट होप कि आप कभी इस तरीके की एक्टिविटी में फंसे ठीक है मैं कभी चाहूंगी भी नहीं कि आपके साथ ये चीज हो बट अगर कभी होती है ठीक है अगर आपको पता चलता है कि आपका कोई फ्रेंड है कोई जानने वाला है जिसके साथ ये चीजें हो रही हैं तो लीगल रेमेडीज तो देखो बाद में आएंगी सबसे पहले जो सबसे बड़ी गलती

इसी डर के चक्कर में कि वो हमको डांटेंगे मारेंगे हमारे अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे बट भाई वो जो ब्लैकमेलर आपके साथ करेगा उससे तो कम ही होगा ना जो भी आपके माँ बाप करेंगे तो सबसे पहली गलती तो जो हमको अवॉइड करनी है दैट इज कि ये चीज जो हुआ करे इसको सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर्स को जाके बता दो हो सकता है वो कोई सॉल्यूशन सोच पाए वो कोई एक्शन ले पाए जिसे आप ना सोच पा रहे हो ठीक है तो इसे कहा जाता है न्यूट्रलाइज द थ्रेट करना न्यूट्रलाइज का मतलब कि भाई सामने वाला आपको यही धमका रहा है ना घर पे बता दूंगा सोसाइटी को बता दूंगा अब सोसाइटी तो बाद में आएगी बट वो जो घर पर बता दूंगा धमकी आपको दे रहा है ना उसको आप पहले कट ऑफ कर दो अपने घर वालों को पहले ही आप इन्फॉर्म कर दो ताकि वो ब्लैकमेलर जो है आपको कंट्रोल ना कर पाए कि मैं घर पर मम्मी पापा को जाके तुम्हारी ये फोटोज और वीडियोज जो है वो सर्कुलेट कर दूंगा ठीक है दूसरी चीज आती है कि लीगल रेमेडीज जो लीगल प्रोविजंस है वो भी बाद में आएंगे उसके पहले आपको एक चीज करनी पड़ेगी अब भाई लीगल रेमेडीज तो तब ली जाएंगी जब सामने वाले के अगेंस्ट केस फाइल किया जाएगा और केस तब फाइल होगा जब आप जाके पुलिस स्टेशन में ये चीज इन्फॉर्म करेंगे ठीक है तो पुलिस स्टेशन में जो भी आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहां पर जाके इस चीज के बारे में इन्फॉर्म करिए ठीक है वो आपका स्टेटमेंट वगैरह लिखेंगे और वो उस पर्सन को जाके पकड़ लेंगे ठीक है उसके बाद उस पर्सन का जो भी डिवाइस है जहां पर भी उसने आपकी ये फोटोज और वीडियो को स्टोर के रखा हुआ है पुलिस क्या करेगी उस डिवाइस को तुरंत अपने कंट्रोल के अंदर में ले लेगी और Uh, जैसे ही वो सारे फोटोज और वीडियोस रिकवर हो जाएंगे पुलिस के पास में तुरंत पुलिस वहां पे क्या करेगी इन फोटोज और वीडियोस को तुरंत डिलीट करवा देगी ताकि इनको कहीं भी सर्कुलेट या पब्लिश ना किया जा सके ताकि आपकी रेप्यूटेशन को कुछ भी हार्म ना हो ठीक है अब जब मान लो पुलिस ने ये सारी चीजें आपके कर दी अब हम बात करते हैं लीगल प्रोविजन के बारे में यानी कि क्या क्या लीगल प्रोविजन आपके इस पर्सन के ऊपर लगाए जा सकते हैं जो कि आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं सिक्सटी सेक्शन सिक्सटी आपका जो आई एक्ट है यह आपको बोलता है कि किसी भी पर्सन ने अगर पब्लिश किया ट्रांसमिट किया ठीक है ऐसा कोई भी मटेरियल material... जो कि किसी भी पर्सन के सेक्सुअल इंटरेस्ट को अपील कर सकता है ठीक है ऐसा कोई भी चीज कोई भी मटेरियल जिससे देखने वाले के माइंड को करप्ट किया जा सकता है उसके दिमाग में गलत ख्यालात वगैरह थॉट्स वगैरह जो हैं, वो अगर लाए जा सकते हैं तो उस पर्सन को 67 ए के सिक्सटी सेवन आई एक्ट के अंदर में उसको कन्विक्ट किया जा सकता है उसको गिल्टी डिक्लेयर किया जा सकता है तो एक प्रोविजन एक सेक्शन तो आपका ये हो गया सेक्शन सिक्सटी जिसमें पनिशमेंट आपकी बताई है तीन साल तक की अगर पहला पहली बार आप पाए गए हैं और दूसरी बार अगर आपने सेम चीज की है तो आपको पांच साल तक की पनिशमेंट यहां पे होगी इसके बाद है सेक्शन 67 ए 67 ए आपको ये बोलता है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मोड में ऐसा कोई भी मटेरियल है ऐसी कोई भी वीडियो है कोई भी फोटो है जिसमें कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट दिखाया जा रहा है अब भाई सिंपल सी एग्जांपल है कि ए और बी मान लो दो कपल हैं ठीक है कपल होटल के अंदर जाता है होटल में जाके ये सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं और होटल का जो मैनेजर है या कोई वेटर है या कोई एम्प्लॉय है इसने एक हिडन कैमरा उस होटल के रूम के अंदर लगा के क्या कर लिया उसका वीडियो बना लिया इसका मैं एक मूवी वाला भी अगर आपको एग्जांपल दूं तो पता है मूवीज से भी ना बॉलीवुड मूवीज से भी बहुत सारा लॉ आप सीख सकते हो ठीक है एक मूवी आई थी आज से कुछ साल पहले वरुण धवन और आ, आलिया भट्ट की ठीक है हमटी शर्मा की दुल्हनिया उसमें यही होता है कि एक आ, लड़का और एक लड़की लड़का जो कि इनकी फ्रेंड को ब्लैकमेल कर रहा होता है वो लड़का और टीचर एक होटल रूम में जाते हैं और उस होटल रूम में आलिया भट्ट और वरुण धवन क्या करते हैं कैमरा वहां पर फिट कर देते हैं और उनकी वो जो सेक्शुअल एक्टिविटीज होती है वो कैप्चर हो जाती है तो भाई वहां पर वरुण धवन और आरिया आलिया भट्ट ने क्या किया है सिक्सटी ए के अंदर में ऑफेंस कमिट किया है आपने एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मटीरियल बनाया है जिसमें आप एक सेक्सुअली एक्सप्रेसिड एक्ट को रिकॉर्ड कर रहे हो और उसके बाद अगर आप उस फोटो या उस वीडियो को सर्कुलेट करते हैं किसी को भेजते हैं तो आपने इस सेक्शन के अंदर में ऑफेंस कमिट किया है ठीक है उसके बाद आ जाओ सेक्शन सिक्सटी सिक्स ई पे 66 ई e आपको यह बोलता है कि अगर आपने कैप्चर किया या पब्लिश किया कोई भी इमेज जिसमें सामने वाले पर्सन के प्राइवेट एरियाज को देखा जा रहा है प्राइवेट प्राइवेट एरियाज यानी कि आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अगर किसी भी फोटो या किसी भी वीडियो के अंदर में दिख रहे हैं उनको कैप्चर कर लिया गया है सिंपल सी चीज जैसे कि आप शोरूम्स वगैरह में जाते हो मॉल्स वगैरह में जाते हो जो आपके कपड़ों के स्टोर वगैरह रहते हैं उसमें अंदर चेंजिंग रूम होता है अब आप गए किसी चेंजिंग रूम में चेंजिंग रूम में किसी

जिसमें 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा इन्वॉल्व है तो ऐसे जो ब्लैकमेलिंग के इंसिडेंट्स होते हैं ये ज्यादातर ज्यादातर तो नहीं बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस में टीनेजर्स भी करते हैं ठीक है स्कूल के बच्चे हैं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं के बच्चे हैं वीडियो बना के फोटो बना के क्या कर रहे हैं लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं लड़कों को ब्लैकमेल कर रहे हैं ठीक है तो अगर आपने अठारह साल से कम उम्र के किसी बच्चे का किसी पर्सन का कोई फोटो या वीडियो बनाया है ठीक है कोई ऑप्शीन इलेक्ट्रॉनिक मटीरियल आपने बनाया है किसी अठारह साल से कम उम्र के पर्सन का यानी कि माइनर का तो वहां पर आपको क्या लगता है सिक्सटी बी के अंदर में आपको पनिश किया जा सकता है ठीक है इसके बाद आ जाते हैं हम 292 पे अब ये तो बात हुई आईटी एक्ट की कि आईटी एक्ट के कौन कौन से सेक्शंस कौन कौन से प्रोविजंस सामने वाले पर्सन पे लगाए जा सकते हैं अब अगर हम बात करते हैं आईपीसी के बारे में तो आईपीसी में एक सेक्शन है आपका सेक्शन 292 जो कि साफ साफ ये बोलता है कि अगर आपने ऐसा कोई भी मटेरियल बेचा किराए पे दिया डिस्ट्रीब्यूट किया उसको पब्लिकली एग्जिबिट किया किसी भी तरीके से सर्कुलेशन में डाला ठीक है ऐसी कोई भी बुक कोई भी पैम्फलेट ठीक है कोई भी रिप्रेजेंटेशन ठीक है कोई भी फिगर यानी कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर्स वगैरह हो गए हो गए वो सब भी आपके 292 में कवर हो जाते हैं ठीक है? किसी भी फोटो या वीडियो को किसी भी बुक को आपने इम्पोर्ट किया एक्सपोर्ट किया तो वो पर्सन क्या हो जाएगा टू के अंदर में जो है वो पनिशेबल मान लिया जाएगा उसका ये एक्ट वहां पे ठीक है सो गाइज विद ऑफ द सेशन तो आ, एक इंफॉर्मेटिव सेशन भी था ये आपके लिए आ, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है ये एक ऐसा इशू है जो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है जो एवरीडे लाइफ में हम सुनते रहते हैं देखते रहते हैं और शायद आपने सुना भी होगा कि किसी क्लोज फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ ये चीज हुई है ठीक है तो सिंस एज हम आ, जुडि, हम जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं लॉ बैकग्राउंड से आते हैं तो आई फेल्ट कि इतने थोड़े लीगल प्रोविजंस तो हमको पता ही होने चाहिए कि एक ले मैन को छोड़ के एक ऐसे पर्सन

फोटोज इन वीडियोज का फायदा उठाते हैं और सामने वाला पर्सन जो है वो डर के हमारी सारी इच्छाओं को हमारी सारी विशेष को जो है वो पूरा करेगा तो वही चीज हमको नहीं होने देनी है आप लॉ बैकग्राउंड के हैं या ना नहीं है दोनों ही केसेस में ये लीगल प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए ये सारे अप्रोप्रिएट एक्शंस आपको पता होने चाहिए एंड अगेन आई वुड से वन पॉइंट जो मैंने सबसे पहले बोला था कि सबसे बड़ी गलती और सबसे पहला स्टेप जो हमको इन केसेस में लेना चाहिए दैट इज़ कि हम घर पे नहीं बताते हैं ठीक है हम फैमिली को इन्फॉर्म नहीं करते हैं सबसे पहले वही करो कि फैमिली को इन्फॉर्म करो ज़्यादा से ज़्यादा दो थप्पड़ पड़ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा पिट जाओगे उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा जो बदनामी हो सकती है अगर वो फ़ोटोज़ या वीडियोज़ बाहर चले गए उससे आप कम से कम सेव हो जाएंगे आपका मेंटल इमोशनल हरासमेंट जो किया जा रहा है वो रुक जाएगा कंप्लीटली ठीक है अब आप में से जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग आने वाले प्रिलिम्स और मेंस एग्जाम के लिए अपेयर कर रहे हैं तो यू कैन आल्सो इनरोल फॉर दी स्टडी आईक्यू ज्यूडिशरी जुडिशरी कोर्सेज ठीक है कोर्स आप इस तरीके से यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं गूगल पे जाके यू जस्ट हैव टू टाइप स्टडी आई क्यू आपके ये अलग अलग आ, स्टेट जुडिशरी के एग्जाम्स हैं जिस भी स्टेट की आप तैयारी कर रहे हो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट यू कैन ओपन दैट यू कैन एनरोल फॉर दैट कोर्स जिनलट से कि अगर आप एम पी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो एम पी स्टेट के उसमें आपके जो जो सब्जेक्ट्स वगैरह पूछे जाते हैं वो सब कुछ यहाँ पे कवर करवाए गए हैं मेजर uh, सब्जेक्ट्स हो माइनर सब्जेक्ट्स हो ए आई बी पर डिसीजन अभी नहीं आया है ठीक है ओके okay? तो मेजर सब्जेक्ट्स हो माइनर सब्जेक्ट्स हो आ, उसके बाद आपके आ... करंट अफेयर्स हो लीगल करंट अफेयर्स वगैरह हो इंग्लिश हो कंप्यूटर हो लोकल लॉज हो जजमेंट राइटिंग है मेंस आंसर राइटिंग है ये सारी ही चीज़ें आपको कोर्स के अंदर में यहाँ पे कवर करवाई जाती हैं ठीक है ठीके? तो कोर्स uh, के एक्सेस करने के लिए लाइक आई सेड कि आप कोर्स के लिए इनरोल कर करते टाइम यू कैन यूज़ माई कोड दैट इज़ अर्जिता जे यू डी ठीक है अर्जिता डालना है बिना स्पेस के जे यू डी लिख देना है वहां पे तो डिस्काउंट कोड आपका लग जाएगा तो बहुत ही कम प्राइस में uh, इन टोटल ट्वेंटी थ्री थाउजेंड में आपका क्या हो जाएगा प्रिलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी यहां पे बढ़िया तरीके से हो जाएगी ठीक है सो गाइज विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो वीडियो को लाइक करिएगा एंड ये एक ऐसा वीडियो है जिसपे मैं हक से बोलूंगी कि जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करना सर्कुलेट करना पब्लिश करना जितना करवा सकते हो बिकॉज आई रियली फील की इंफॉर्मेशन जितने ज्यादा लोग हो सके उन तक ये इंफॉर्मेशन आपकी पहुंचनी चाहिए ठीक है Uh, can WhatsApp chat also include WhatsApp chat? What, what WhatsApp chat? ठीक है सो गाइज विथ दैट आई वुड से आई टेक योर लीव थैंक यू सो मच वंस अगेन सो लाइक आई सेट वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा एंड आई सी यू सून विथ अनदर सेशन अनदर वीडियो टिल देन टेक केयर ऑल द बेस्ट किसी के कुछ डाउट्स हैं कुछ क्वेरीज वगैरह हैं रिलेटेड टू एनीथिंग आप कॉमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं आई गेट बैक टू यू बाय टू नाइट और बाय टू मोरो विथ योर डाउट्स एंड क्वेरीज ठीक है थैंक यू सो मच वंस अगेन टेक केयर ऑल द बेस्ट बाय बाय